सब कुछ खत्म होने के बाद में सावित्री से लड़ाई की लड़ने की कोशिश करते हैं, तो अब उसके है स्टूडेंट वो एक एक करके बेहोश होने लगते हैं। जो पहले एग्जाम देने वाले नहीं थे वो एग्जाम भी देते हैं, लेकिन मुश्किलें अब उनकी जान पे बनाती है, जो सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। क्योंकि जब यहाँ आग पे लग चुका होता है, ईशान भी चाहता है सावित्री से बातें करना, लेकिन अब रिवा उसे मिलने भी नहीं देती है। और वो भी सावित्री खरी खोटी सुना देती है कि अगर तुम्हारा रिश्ता टूट चुका है तो प्लीज उसको अपने आगे पीछे घुमाना बंद करो। हालांकि अब कहने की हारने को भी बहुत बुरा लगता है उसकी बातों से। खैर वो बाद में आती है, अब यहाँ से तो ये चले जाती है लेकर के ईशान को, लेकिन अक्का साहब वो भी बहुत परेशान होता है। और एक बार समझो कि ऐसा हालात बन चुका होता है ना कि इनकी जान पे बनाते हैं, क्योंकि ये इंसान से बहुत प्यार करते हैं। और फाइनली यहाँ इनको दर्द होता है कि इंसान बचाने के लिए खुद की जान भी जोखिम में डाल दिया था, लेकिन अब जो आग लगा करके तमाशा हुआ और काफी सारे बच्चों को एक बंदे ने भड़का दिया कि तुम लोग जाकर माफी मांगो और जो तुम लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है ना उसको हटा दो, तुम लोग अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। अब अगले ही दिन जैसे सावित्री जाकर घर पे तो सोती है, अब काफ़ी सारी बातें ये याद कर रही होती है बीते दिनों की बातें, जो इसे सच में बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है। खैर एक नई सुबह होती है जो नई सवेरा लेकर के आती है इसके लिए, और एक नई शुरुआत के साथ में आगे बढ़ने का फैसला भी ये कर लेती है। लेकिन जैसे ही ये कॉलेज पहुंचती है तो वहां कोई भी नहीं आया होता है, और अब अक्का साहब और बाकी लोग इसका मजाक बनाने लगते हैं कि हम इस कॉलेज के सबसे अच्छे इंसान हैं, सबसे अच्छे प्रोफेसर हैं, लेकिन अब सावित्री तुम कभी भी इस लड़ाई को जीत नहीं सकती। और फाइनली बात तो यही होता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ टीच टोल के लिए हो रही थी ना, अगर जब वही नहीं लड़ा तो ये वार का कोई मतलब ही नहीं है। और अब जब ये भी उम्मीदें होने लगती है तब तक काफी सारे बच्चे आते हैं। ईशान भी रात भर दुआएं कर रहा होता है कि प्लीज सावित्री के लिए प्लीज प्रभु उसकी कृपा करे, लेकिन अब जब सामने आमने सामने के बारी आ जाती है और अब लगता है कि काफी सारे बच्चे सावित्री के सपोर्ट में खड़े होंगे, तो वहां एक एक से उम्मीदें भी टूट जाती है। पहले तो बच्चे साफ साथ देने से मना कर देते हैं, वो एग्जाम देने से भी मना कर देते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर काफी सारे मार्क्स कट गए तो फाइनल ईयर के रिजल्ट में काफी बड़ी लो फॉल्स देखने को मिलेंगी और जिसके कारण शायद हमारे फ्यूचर पर भी खतरा बन सकता है, तो यहाँ पे वो मना कर देते हैं। और अब जो सावित्री मैनिपुलेट करते हैं उनको और उनको समझाती है कि तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा, अब देखो वार तो हमने स्टार्ट कर दिया है लेकिन खत्म करना हमारे हाथ में नहीं है, अब जो होता है वो होने दो, अब डर कर कोई फायदा नहीं है। जो ये मोटिवेट करती है उन लोगों को तो वो लोग फैसला कर लेते हैं कि ठीक है हम लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, और फैसला करते हैं एग्जाम देने की। अब मोटिवेशन मिलने के बाद में बच्चे चले तो जाते हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हैं अपने पेपर्स को लिखते हैं, हालांकि समय से पहले पेपर्स को ले लिया जाता है, लेकिन अब इस स्ट्रेस के कारण ना बच्चे एक एक करके बेहोश होने लगते हैं। और चाहे इनका मन बहलाने के लिए जो नीचे गाना गा रही होते, डांस कर रही होते, जिनमें कहने का सपोर्ट करता है, तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अब जब बच्चे बेहोश हो जाते हैं ना, तो इनके जो फैमिली वाले होते हैं वो सावित्री के ऊपर में इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि बस तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में हमारे बच्चे की जान खतरे में पड़ चुकी है, और अब बताओ हम क्या करें तुम्हारे साथ में। अब चीज़ें बहुत धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड बन जा रही होती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अक्का साहब जीत रहा होता है और यहाँ पे सावित्री की हार कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में उसकी बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ाने वाली है, जो सच में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा।